एक वेल मैनेज्ड और वेल ऑर्गेनाइज टीचर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे। सर आप मेरे मोस्ट 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 फेवरेट टीचर हैं आप। ना आपकी डांट बुरी लगती है ना आपकी बिस्ती की भी बुरी लगती है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और एक वेल बैलेंस्ड टीचर होना एक बहुत मुश्किल चीज़ है जो आप थे। हमारा सर के साथ एक साल गुजरा है और पूरे साल में हमारी पूरी क्लास के बारे में तो नहीं लेकिन मेरी सर नुमान की क्लास सबसे ज़्यादा फेवरेट होती थी। मैं बस इतना कहूँगा सर कि मतलब आप ट्रू डेफिनेशन है एक परफेक्ट टीचर की। मतलब हू आर वन ऑफ माय बेस्ट इंस्पिरेशन इन CPMC। मोस्टली यहाँ पे लोग इतना मोटिवेटेड नहीं करते, आपने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। सर मेरा आपके साथ अगर कहा जाए तो मेरा उतना टाइम पीरियड नहीं गुजरा जितना इन बच्चों का गुजरा था। मैं लेट आई थी और मेरी यहाँ पे ना मैं किसी को जानती थी, ना मेरी किसी टीचर, ना मेरी किसी HOD, ना मेरी किसी और से कोई इंटरेक्शन, कुछ नहीं था, ज़ीरो था। सर आप एक मेरे आइडियल हैं, आप एक एज ए इंसान मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। मोस्टली टीचर्स आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं लेकिन आपका ये अंदाज़ था कि आप पढ़ने के टाइम पढ़ाते थे और फिर जब करिकुलम एक्टिविटीज़ आती थी तो आप उसमें भी हमारा हौसला बढ़ाते थे कि उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप हमारे साथ आप मजाक भी करते थे, आप हमें पढ़ाते भी थे, एक पूरी चीज़ों को परफॉर्म करके दिखाते थे। और जो मेरी पहली इंटरेक्शन हुई थी वो आपसे हुई थी, आपने मुझे सबसे पहले ये गाइड किया था कि मैं कैसे, सबसे बड़ी बात तो थी कि मैं कैसे कोई चीज़ मैनेज कर सकती, क्योंकि मैं आते सर एनजाइटी में चली गई थी, कुछ मेरे साथ फेसेस ऐसे आ गए थे कि मैं उनमें बहुत डाउन हो गई थी। मगर जो मॉरल सपोर्ट किया, जो बाकी आपने किया कि मैं वापस अपनी लाइफ में कैसे आ सकती हूँ, मुझे अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करना है, मुझे अपनी बाकी सारी लाइफ को कैसे ठीक करना है, मुझे बहुत हेल्प मिली आपसे। आप लेक्चर देते थे जिस तरह आप मतलब अगले दिन सुनते थे और आपको पता है कब मजाक करना है और कब सीरियस होना है, मतलब और हर किसी को उसकी लिमिट में रखना है, मतलब और आपने मतलब हर मुश्किल वक्त में आपने मतलब हमें सपोर्ट किया। हम लेट भी आते थे, कभी कुछ नहीं कहते थे और सबसे ज़्यादा लेट हम ही आते थे, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि कोई भी हमें इतना ज़्यादा बियर करेगा हमारा इतना लेट आना, क्लास में खाना शॉर्ट करना भी। तो जब हम आए यहाँ पर तो MBBS में सुपीरियर इंफीरियर का हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा लेकिन आपने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जब स्पोर्ट्स आया तो आपने हमें स्पोर्ट्स के लिए वो ग्राउंड में लेके जाके डॉजबॉल जो हमारे साथ खेली, मुझे तो सबसे ज़्यादा वो वाला मोमेंट याद है। तो मतलब इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जब वो जाए तो अगला बच्चा हो जो भी हो इंसान वो फील करे कि कोई जा रहा है, भीतर से उसको फील होना चाहिए। तो आप एक ऐसे टीचर थे कि हमें दिल से ऐसे लगता है कि मतलब कोई चीज़ कम हो रही है, तो इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जाए तो वो कहे अच्छी बातें चला गया। आपने काफ़ी सपोर्ट किया जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती और ना कभी मैं भूलूंगी। और एक बात कहूंगी मैं, जो एक एलिमेंट होता है ना कि हर चीज़ को बैलेंस करना, आप एट अ टाइम स्वीट और स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, ये आपकी एक क्वालिटी है। इवन के सेंट्रल पार्क भी मैंने आप ही की वजह से ज्वाइन किया, आपकी वीडियोस देख के। और आपका गुस्से से लेसन को सुनना और जिसको ना आए उसे खड़ा कर देना, और फिर जब हमारा पढ़ाते थे तो उस टाइम पे भी आप जब एक्टिविटीज़ करवाते थे तो समझ में भी आता था, और शायद आपका जो सुनाया हुआ लेसन था मोस्टली वही बच्चे आपको सुना देते थे। जब मुझे पर्सनली एक कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो आपने मतलब हेल्प की है, बेशक वो अब मतलब कॉलेज के बाहर हो क्यों ना हो या कॉलेज के अंदर क्यों ना हो, आपने हर चीज़ हमारी मदद की है, बेशक वो स्टडीज में हो या हेल्थ वाइज हो। तो थैंक यू सो मच एंड वी विल मिस यू। आपको ये पता है कि आपने किस टाइम पे मजाक करना है, आपने किस टाइम पे किस बच्चे को किस तरह ट्रीट करना है, और हर एक को किसे उनकी लिमिट में रखना है, बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी की फीलिंग्स हर्ट हुए कि सर ने डांटा है या कुछ किया है। आपकी डांट भी बुरी नहीं लगती। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम आपके लिए दुआ करेंगे सब कि आपको आगे और ज़्यादा अल्लाह ताला तरक्की दे। और आप वो वही टीचर हैं जो मैंने फिजियोथेरेपी में देखा कि ना सिर्फ YouTube बल्कि TikTok और बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको देखा। अभी भी मुझे कोई भी किसी भी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और आपसे हेल्प लेता हूँ। थैंक यू सर। मेरी आइडियल टीचर है, इवन मैं अपनी मामा को भी कहती कि मैंने आपके जैसा फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आगे स्पोर्ट्स फिजियो में ही स्पेशलाइजेशन करूँगी और इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि मैं आगे आपसे पढ़ सकूँ। थैंक यू सो मच। तो आपने इस फील्ड को बहुत ज़्यादा आगे की तरफ लेके जाने के बारे में सोचा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ये सोचते हैं कि हम क्विट कर जाएंगे,
क्योंकि ये फील्ड नहीं अच्छी, लेकिन आपको देख के हौसला मिलता है कि नहीं इस फील्ड पे स्कोप है। तो थैंक यू सो मच ऐसी पर्सनैलिटी होने के लिए। शायद जब आप छोड़ के जाएंगे तो हम आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, और आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है और हमारे पेरेंट्स की जगह हैं आप। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे आमीन। लेकिन आप ऐसे टीचर थे कि हम कहते हैं हमें दिल से दुख है कि आप जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक अच्छी आगे अपॉर्चुनिटी भी है, तो प्रोफेशनली एक अच्छी चीज़ है। बट अगर इमोशनली देखा जाए तो हम आपको मिस बहुत करेंगे, क्योंकि आप बहुत एक अच्छे टीचर थे। आपकी मुझे ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंट मतलब आगे कीप गोइंग वाला मोटिवेट करते हैं, और यू विल बी मिस्ड। तो वी विल मिस यू अलॉट। थैंक यू। आपकी बिजली से ना, आपकी डांट से मोटिवेट भी हो जाता है इंसान, जो कि मैं तो काफ़ी हुई हूँ। और ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में आपसे सीखना चाहूँगी कि मैं एक चीज़ को एट अ टाइम कैसे बैलेंस कर सकती हूँ, अपनी सोशल लाइफ, अपनी मतलब टीचिंग लाइफ, या बाकी अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी मेरा इत्तेफाक हुआ टीचर बनने का, तो मैं चाहूँगी कि मैं आप जैसी टीचर बनूँ, कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ उनके दिलों में वैसी इज्जत, वही मुकाम बनाऊँ जो आपका है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ आगे लाइफ में और मिलें, आपको बहुत सारी कामयाबियाँ मिलें, और मैं यही दुआ करूँगी। थैंक यू सो मच सर।